नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के भगत सिंह रोड पर डॉक्टर ओम प्रकाश हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में हूं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहां पर MI का एक्सक्लूसिव स्टोर है। भगत सिंह रोड पर MI के इस एक्सक्लूसिव स्टोर पर तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर आए हैं, जानकारी मिली थी, उनके बारे में जानकारी लेंगे और फिर आपको भी साथ साथ देंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मेरे साथ MI के एक्सक्लूसिव स्टोर पर इनके प्रमोटर हैं अमित, इनसे बात करेंगे। अमित, ये लैपटॉप की रेंज आ गई आपके पास, सस्ते बताए जा रहे हैं, सुंदर बताए जा रहे हैं, और कामयाब और मजबूत जिसको कहते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ, खूबी बताएं क्या कहें। सर, जैसे ये जो लैपटॉप है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ना ये एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। वो वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप कैसे है कि कोई भी अगर बंदा लैपटॉप लेता है तो वो क्या चीज़ देखेगा? सबसे पहले वो देखेगा कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सी है, और इसके अंदर स्टोरेज क्या है। वो आजकल जनरेशन भी देखते हैं, तो ये बता दें सबसे पहले इसमें किस जनरेशन का प्रोसेसर है। इसके अंदर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर है, जो इस टाइम बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है। सर, रैम भी बड़ी वैल्यू करती है। रैम इसमें 2-4 पे है या कुछ बड़ा ही है? सर, इसमें 8GB की रैम है, और जो DDR4 रैम है सर, जो एक अच्छी DDR4 एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। DDR1 आया था, 2 आया था, फिर 4 आया था, तो DDR4 रैम इसमें है। और जहाँ तक मुझे जानकारी, इसमें SSD भी है। पहले हार्ड डिस्क होती थी, ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, और अब यहाँ पर SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसकी खूबी क्या, स्पीड बढ़ जाएगी? सर, ये ना हमारी रीड राइट मेमोरी के लिए, जैसे हमको डाटा ट्रांसफ़र करना है सर, एक जगह मुझे 5 मिनट लगे डाटा ट्रांसफर करना, एक मुझे एक ही मिनट में वो डाटा ट्रांसफर हो जाए, तो ये SSD एक इस तरह से हमारे लिए वैल्यूएबल है। बिल्कुल, SSD जहाँ तक डाटा ट्रांसफ़र को फास्ट करती है, वहीं पर वो हीट भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई मोटर नहीं होती है। पहले जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी HDD, उसमें मोटर होती थी, वो घूमती थी, वियर एंड टीयर भी होता था, लेकिन SSD में सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, डाटा स्टोर होता है, और बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। थोड़ा सा इसको ऑपरेट करके बताएं। सर, जैसे मैंने एक बना, इसकी जो डिस्प्ले है सर, जो फुल HD के अंदर है, और जो सॉन्ग क्वालिटी है सर, वो डॉल्बी ऑडियो है सर, जो एक अच्छा मतलब हमारे को सॉन्ग देती है। एक बार मैं आपको एक गाना आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब सुना के, सॉरी, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, और डिस्प्ले भी देखिए सर एक बार आप। ठीक है, इसके ये बताइए, इसके प्राइस क्या रहेंगे? जिस हिसाब से आपने खूबियां बताई हैं, तो काफ़ी महंगा रहता है नहीं क्या सर? ये जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप कैसे, सॉरी नोटबुक कैसे है कि ना, जो अगर मैं और कंपनी की बात करूँ या अदर ब्रांड की बात करूँ, तो ये सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर उनके 60-65 के अप्रोक्स नोटबुक आती है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छा वैल्यूएबल और कुछ नहीं होगी। हाँ जी, और दूसरा, इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने मॉडल्स आते हैं? सर, इसके अंदर 2 वेरिएंट्स और आते हैं, इससे एक और वेरिएंट आता है जो हमारा 47,000 रुपये में है, और जो इसकी कॉस्ट है वो सर 44,000 रुपये में है। जो 47,000 वाला लैपटॉप है, जो इससे बड़ा है सर, उसके अंदर जहाँ पे जो 256 SSD थी, वहाँ पे 512 GB SSD हो जाएगा हमारा, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और सर, उसके अलावा एक तीसरा हमारा एक और मॉडल आता है, वो आता है सर 50,000 रुपये में, उसमें सर 8 GB रोम के रैम के साथ साथ 512 GB SSD के साथ साथ, उसमें जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड रहेगा सर, वो NVIDIA का MX250 रहेगा, जिसके अंदर में बहुत काफ़ी जो YouTube की वीडियो होती है, जो कुछ भी मतलब अगर हैवी है, नो डाउट जो ग्राफिक कार्ड है वो आजकल बड़े ज़रूरी हो गए किसी भी लैपटॉप में। उसको आपको अच्छी स्पीड चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, और खासकर गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, फोटो के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। और जो भी अब अच्छे ब्रांड हैं, वो ग्राफिक कार्ड के बगैर लैपटॉप बेचते नहीं है, और MI ने जो निकाला है इसमें ग्राफिक कार्ड है। NVIDIA ग्राफिक कार्ड के मामले में एक अव्वल दर्जे की, उच्च श्रेणी की आप कह सकते हैं हिंदी में बोले तो, कंपनी है जो ग्राफिक कार्ड बनाती है। NVIDIA के इसमें रहते हैं? हाँ जी सर, NVIDIA ग्राफिक कार्ड रहता है। हाँ जी, NVIDIA जो काफ़ी पॉपुलर, जैसे सर आपने बताया भी है सर। और इसके अलावा सर, इसके अंदर ना सर 3 USB पोर्ट है, जो 3.1 जनरेशन के हैं, जो टाइप ए में है और एक टाइप बी में है सर। और इसके अलावा सर एक HDMI पोर्ट है, और एक 3.5 mm का जैक है सर। मैं बता दूं आपको, 3.0 जो USB पोर्ट है वो एक लेटेस्ट पोर्ट है, पहले 2.0 होता था। ये सीधा सीधा इसका ताल्लुक डाटा ट्रांसफर से है। 3.0 में डाटा ट्रांसफर बड़ी जल्दी होता है, तेज़ी से होता है। और जहाँ तक इन्होंने HDMI आउटपुट की बात की, तो इसका मतलब ये है कि सीधी सीधी केबल के जरिए आप इसको अपने मॉनिटर से भी जोड़ सकते हैं, अपने TV से जोड़ सकते हैं। यानी कि आपका जो डिस्प्ले है, यहाँ पर मान लीजिए 14 इंच का आपका डिस्प्ले है, 12 इंच का डिस्प्ले है, 15 का है, तो आपका TV अगर 65 इंच का है, तो यही डिस्प्ले आपके TV पे आएगा, ये कनेक्ट अगर आप केबल करते हैं HDMI की इससे। तो इसमें HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है। और क्या खूबी है सर? और उसके अलावा सर, जो डिस्प्ले वो एंटी ग्लेयर है सर, जो हमें को अच्छा क्वालिटी हमारे को प्रदान करती है, ये हमारे सामने है सर, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। मतलब आँखें नहीं दुखेंगी, आप कितने भी घंटे इस पे काम करेंगे तो आपकी आँखों में दिक्कत नहीं आएगी, यही इसका मतलब है। हाँ जी सर। और सर, इसके अलावा सर, इसके अंदर एक चीज़ है सर,
जो हमारे जो बैंड आते हैं ना सर, जो अमी बैंड है, वो भी इसके साथ पेयर हो जाते हैं सर। जैसे एग्जांपल के लिए ये बैंड है सर, ये सर इसके अकॉर्डिंग जो पेयर हो जाएगा, जो स्पेसिफिकेशन वगैरह जैसे हम यूज़ करना चाहें तो इस बैंड के थ्रू भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये मी में सर एक है ऑफिशियल चीज़। मी के जो प्रोडक्ट है ना, जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, वो एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, मतलब वो उनकी अटैचमेंट्स रहती हैं। मान लीजिए ये एमी बैंड है, आप इसको हाथ पे लगा के चलते हैं, इस पर काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, तो वो इसकी कनेक्टिविटी सीधी सीधी लैपटॉप में दे दी गई है सॉफ्टवेयर के जरिए। एमी के प्योरीफायर और एमए के आर ओ भी आए हैं, एयर प्योरीफायर और वाटर आर ओ, इन दोनों के बारे में और बताएं, क्योंकि ये दो न्यू प्रोडक्ट हैं एमी के। बिल्कुल सर, ये सबसे पहले सर मी का एयर प्योरीफायर, ये इसका सर ये स्मार्ट एयर प्योरीफायर है। और इस सर पहले मैं इसके पर वर्क बता देता हूँ कि एयर प्योरीफायर मतलब आप थोड़ा सा समझ भी गए होंगे कि सर ये हमारे को अच्छी वायु प्रदान करें, पेड़ पौधे आसपास नहीं है, फ्रेश एयर नहीं आ रही है, अच्छी एयर नहीं आ रही है, तो आप ये लगाएं, इसमें जो भी एयर वहाँ पर है वो इसमें जाएगी और इसके थ्रू प्योरीफाई होकर निकलेगी, घर में फैलेगी। बिल्कुल सर। और सर ये स्मार्ट है, एक ये बात मैंने कही थी, ये हमारे फ़ोन से सर ऑन हो जाएगा और हमारे फ़ोन से ही ऑफ हो जाएगा, प्लस हम इसे ने ऑटो में लगा सकते हैं, प्लस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारे को कितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए वायु के अंदर, हमारे को हवा के अंदर, कि हमारे को कितनी अच्छी हवा मिले, जिससे मतलब क्या नाम है, हम प्रदूषण वगैरह से बच सकें। मतलब ये है कि फ़ोन से ऑपरेट हो जाएगा, फ़ोन से बंद होगा, फ़ोन से स्टार्ट हो जाएगा। क्या कॉस्ट क्या करता है ये सर? 7,000 रुपये इसकी कॉस्ट है सर। हाँ जी। और सर सबसे अच्छी आइटम है सर ये, और अदर्स ब्रांड में सर ये कम से कम नहीं तो 8,000 से 10,000 रुपये की सर स्टार्टिंग होती है, लेकिन हमारे में सर जो चीज़ है सर वो वैल्यू फॉर मनी सभी प्रोडक्ट्स में आ जाती है सर ये चीज़। ये तो है, ये बात है। और ये इसके बारे में बताएं, ये वाटर प्योरीफायर है? हाँ जी सर, ये वाटर प्योरीफायर है सर, ये भी स्मार्ट वाटर प्योरीफायर है सर। सर जैसे सर आपने और स्मार्ट बोले तो ये भी मोबाइल से ऑपरेट होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर इसके साथ साथ हम इस प्योरीफायर के अंदर, वाटर प्योरीफायर के अंदर हम ये देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर कि मुझे पानी कैसा, कितने TDS का मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मुझे मिल रहा है 800 TDS का और मुझे फ्रेश होकर मिल रहा है 300 TDS का। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन और किसी में हम लोग प्रॉपर चेक नहीं कर पाते। इधर हम अपने फ़ोन में साथ साथ देख पाएंगे कि मुझे इतना अच्छा वाटर मिल रहा है। अच्छा, पानी इसमें होगा, प्योरीफायर यहाँ से होगा, TDS का आपको फ़ोन पे पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये स्मार्ट प्योरीफायर TDS का मतलब ये है कि वाटर की हार्डनेस से नापी जाती है कि वाटर कितना हार्ड है। कई बार क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसके इसका मतलब ये है कि उसके TDS ज़्यादा होते हैं, और TDS कम होने का मतलब ये है फिर आपका पानी धीरे धीरे प्योरीफाई हो रहा है। जी सर। और सर जो इसके अंदर कैंडल है सर, RO PAC और PEC जो कैंडल्स है ना सर, ये हमारी अलग अलग काम करती है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं या कोई भी जो वायरस होते हैं, जो उन सबको अच्छे से फिल्टर, मतलब हार्ड एलिमेंट को तो निकालेगा, बैक्टीरिया को भी प्योरीफाई करेगा सर। एक अच्छा हमें वाटर मिलेगा सर। और RO प्लस UV इसको रिवर्स ओस्मिस प्लस अल्ट्रा वायलेट इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखा है, जिससे बिल्कुल ही सर कई बार क्या होता है कि जो मतलब पानी अलग अलग स्टेजेस से प्योरीफाई होगा। आपका मतलब ये है कि RO से रिवर्स ऑस्मोसिस से प्योरीफाई हो गया, उसके बाद से जो बैक्टीरिया किल करेगा वो यूवी से किल हो जाएंगे, यूवी से बिल्कुल किल हो जाएंगे सर। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू जो है आप कह सकते हैं कि पानी जो है वाकई बिल्कुल प्योर है, प्योरीफाई हो गया। जी सर। और सर इसके अलावा और सर एसेसरीज हैं सर हमारे पास, और सर जैसे ये एयर कंप्रेसर है सर, और LED लैंप्स है सर। ये LED लैंप्स है सर, ये ना अलग अलग तरह के लैंप्स हैं सर, मतलब कलर इनके अंदर अलग अलग हैं। वो कैसे है कि सर, एग्जांपल के लिए अगर मुझे पढ़ना है तो मैं अपने लिए एक कम लाइट या डार्क लाइट या मतलब उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ जो मेरी आंखों पर रिफ्लेक्ट ना करे। ये मतलब LED लैंप उसके जैसे काम करता है, एक रिचार्जेबल है सर, एक नॉन रिचार्जेबल है सर। मतलब लाइट की इंटेंसिटी और लाइट के कलर दोनों ऑपरेट हो जाएंगे, यानी कि कंट्रोल हो जाएंगे। जी सर। इसमें एक जो स्मार्ट है सर वो हमारे फ़ोन से भी ऑपरेट होएगा सर, कि मुझे कलर किस तरह का चाहिए सर। अगर मुझे इसके अंदर कलर थोड़ा सा फिल्टर मतलब कम करना है, जैसे मान लीजिए मैं रेड कलर है, अब मुझे रेड कलर में थोड़ा सा कम करना है, एग्जांपल के लिए कम भी हो जाएगा सर, डार्क भी हो जाएगा, मिड चाहिए तो मिड भी हो जाएगा सर। मतलब एक अच्छा लैंप है, और स्टडी पर्पस के लिए जो आई प्रोटेक्शन एक इसमें एक दिया। अच्छा, MI की LED की बहुत मैंने सुने चर्चे, तो ये किस साइज तक आती है, कितनी बड़ी LED आती है? सर ये 32 इंच से स्टार्ट होती है सर, 32 इंच से, और सर 65 इंच तक आती है। और 32 में सर हमारे पास जितनी भी जो LEDs है सर, सभी की सभी एंड्रॉयड है सर। एंड्रॉयड सर मैं अब थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि एंड्रॉयड कैसे सर, कि ना कुछ लोगों को ना सर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है कि स्टैंडर्ड कौन सी है, स्मार्ट कौन सी है, और एंड्रॉयड कौन सी है। बिल्कुल, ये यहाँ वाकई बड़ा कन्फ्यूजन है जी सर। ये तीन कैटेगरीज होती है सर। स्टैंडर्ड LED होती है सर, वो हमारी एक नॉर्मल LED होती है, जिसके अंदर एक HDMI पोर्ट होता है और USB पोर्ट्स होते हैं बस सर। मतलब बाकी जो LED होती है सेम वैसी दिखती है। उसके बाद आती है सर हमारी जो आती है
स्मार्ट LEDs। स्मार्ट LEDs में क्या होता है कि सर कुछ एप्लीकेशन कंपनी दे देती है कि एग्जांपल के लिए उन्होंने एक YouTube दे दिया और एक Netflix दे दिया और एक Amazon Prime दे दिया, तीन कंटेंट वाली चीज़ दे दी हमारे को देखने, मतलब डाटा पे ऑपरेट करेगी। मान लीजिए आपने घर में वाईफाई सेटअप किया हुआ है तो आपको अदर कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आपकी टीवी स्मार्ट है, आपकी LED स्मार्ट है, तो डाटा लेके आपको चैनल्स दिखाएगी। बिल्कुल सर, मतलब वही सिर्फ हम तीन चीज़ें देख पाएंगे सर अगर जो कंपनी ने दिया, उसके अलावा हम और कोई, अगर मान लीजिए सर इसमें मुझे हॉटस्टार देखना है स्मार्ट के अंदर, लेकिन कंपनी ने तो मुझे YouTube, Netflix और Amazon Prime ही दे रखा है, उसमें नहीं देख सकता। लेकिन Android के अंदर क्या होगा कि प्ले स्टोर मिल जाएगा मुझे और मैं सर उसके अंदर प्ले स्टोर के अंदर वो भी डाल पाऊंगा, डिजनी हॉटस्टार भी डाल पाऊंगा। प्ले स्टोर पर सीधे सीधे जाके आप उनकी ऐप को इस पर डाउनलोड कर ले सर, लेकिन स्मार्ट में वो नहीं होता सर प्ले स्टोर। ये एक डिफरेंस है सर स्मार्ट LED और एक Android LED। मतलब कहने का ये कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, स्मार्ट के साथ साथ में एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप कोई भी ऐप डालेंगे सीधे सीधे इंटरनेट के थ्रू और आप इसमें देख पाएंगे। हाँ जी सर, और एक बार सर इसमें ना गूगल असिस्टेंट का एक फीचर भी होता है सर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी एक एंड्रॉइड LED के अंदर आता है। दिखाएं आप। वो सर आता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ सर, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अभी मैं आपको अब सर जैसे मैंने ना यहाँ पर YouTube चला रखी है सर, फॉर एग्जाम्पल देखिए सर ये गूगल असिस्टेंट का एक फीचर है जो Android LED के अंदर आता है। इसके अंदर मैं जो भी कुछ बोलूँगा, अगर हमारे में कोई बड़े हैं तो हमारे को उनको भजन सुनना है, कुछ भी चाहिए तो एग्जाम्पल के लिए वो हम लोग आराम से सुन सकते हैं हमारे दूर बैठ के आराम से। अब देखिए सर जैसे मैंने ये बटन ऑन किया, पंजाबी सॉन्ग्स सर ये देखिए पंजाबी सॉन्ग्स अभी अपने आप। हाँ जी सर, ये मतलब ये है कि वॉइस ऑपरेटेड है, गूगल का अपना एक मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप वॉइस को कैच करता है और उसको सर्च में दिखा। जी सर बिल्कुल सर। अब सर जैसे किसी भी हम गाने पर अगर हम वैसे क्लिक कर दें तो मतलब वो हम कोई भी गाना, मतलब जो भी हमारे को कैटेगरी चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो हम लोग देख सकते हैं सर। हाँ जी सर, और सब और इसके अलावा सर एक चीज़ इसके अंदर है जो इसके अंदर सॉन्ग क्वालिटी है ना सर, जैसे आपने देखा होगा सर कि ना कई LED में क्या होता है कि सॉन्ग को अगर मैं फुल कर देता हूँ ना थोड़े से आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आने लग जाती है, लेकिन इसके अंदर सर एक फीचर देखा है डॉल्बी ऑडियो के नाम से, ये सर हमारे सॉन्ग की क्वालिटी को बहुत अच्छा मतलब रखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब। हमारे डॉल्बी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, डॉल्बी एक साइंटिस्ट है जिसने ये टेक्नोलॉजी इजाद की थी, डॉल्बी उनके नाम पे साउंड सिस्टम रखा गया था डॉल्बी, और इसको पेटेंट है डॉल्बी के नाम ही। तो काफ़ी कंपनी जो साउंड में डील करती हैं, मान लीजिए और भी जो कंपनी है जो टीवी बनाती हैं, स्मार्ट टीवी बनाती हैं, वो डॉल्बी से उसके राइट्स परचेज करती हैं और उसकी टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उनको डॉल्बी कहा जाता है। जी सर, और सर इसके अलावा इसकी खुद की सर 2GB की रैम है सर, 8GB इसकी रोम है, कि अगर हम लोग कोई और एक्स्ट्रा कंटेंट डाल दें, जैसे रैम सर आप जानते हैं कि ना हमारी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो अगर मैं 5-7 एप्लीकेशन डाल दूँ तो मेरी टीवी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। इस वक्त मेरे साथ जहाँ पर हम खड़े हैं MI का एक्सक्लूसिव स्टोर है, उनके ओनर हैं साहिल पुरुथी, इनसे भी कुछ जानेंगे। साहिल, एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा आती हैं MI में, मतलब जो आप सोच सकते हैं तमाम तरह की इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स वगैरह सभी चीज़ें एक्सेसरी आती हैं। थोड़ा बताइए, मैं देख रहा हूँ काफ़ी एक्सेसरी आपके पास भी हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। सर पहले तो मैं MI का एक लेटेस्ट प्रोडक्ट आया सर, MI एयर कंप्रेसर सर। सर इसका बेनिफिट ये है सर, इसको आप मोबाइल की तरह चार्ज होएगा ये, और आप इसे गाड़ी व्हीकल मतलब कोई भी व्हीकल में आप हवा फिल कर सकते हो इसके अंदर, मतलब कि एमरजेंसी में आपका बहुत फायदेमंद है। जो पहले टायर्स की बात आप कर रहे हैं हवा फिल करने की गाड़ी के टायर्स में, तो पहले तो बड़े बड़े इक्विपमेंट आते थे, अभी ये क्या कोई छोटे? सर ये MI ने लेटेस्ट ही निकाला सर ये एयर कंप्रेसर। इसके अंदर सर बेनिफिट ये है, इसको चार्जिंग करो आप अप्रोक्स एक बारी में आपका ये अप्रोक्स जैसे नॉर्मल कार है आपकी तो उसके 10 टायर तक आपके फिल कर देगी है। ये बड़ा इजी टू कैरी है ये। जी सर, जैसे आप जानते हैं ट्यूबलेस टायर आते हैं सर, वो एक बार फिल होने के बाद अप्रोक्स 10 से 15 किलोमीटर निकाल जाते हैं, तो सर एक बार आपको इमरजेंसी में ये बहुत फायदेमंद है, आप जैसे रात को कहीं पे जा रहे हैं। गाड़ी रखने वालों के लिए ये बड़ी फायदेमंद चीज़ है, जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया सर तो उसके अंदर हवा फिल करके आपका 10 से 15 किलोमीटर तक कार आपकी निकाल जाएगी सर ट्यूबलेस में। जी सर, और ये सर आपका 2500 में होगा। 2500 रुपये इसकी कीमत है और कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो उसकी खासियत जैसे इन्होंने बताया कि चार्ज हो के इसमें कोई चार्जर है तो सीधी सी बात है कि इसमें पावर बैंक भी है, उसके बाद ये चार्ज होता है और फिर ये कंप्रेसर भी है, हवा भरता है आपके टायर में, तो बड़े वाजिब से दामों में। ईयरपोड्स ईयरबड्स आते हैं सर, ये MI ईयरबड्स हैं सिंपली, जैसे आप एप्पल कंपनी आपको 12,000 में देती है सर, कंपनी इसको देगी आपको 1,800 में। जी सर, तो इससे आप 12 घंटे टॉक टाइम होगा सर इसके अंदर आपका, और आप मतलब साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया सर इसके अंदर, और देन इसके बाद सर इसका अपर मॉडल आ जाएगा आपका,
ये आपका 4000 में होगा सर। इसके अंदर साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, सेम वाइट कलर के बहुत अच्छे लुक के अंदर होगा। मैं आपको कहूँगा सर ओपन करके दिखा दो। सर ये इसकी लुक होगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के अंदर है, वॉइस कैंसिलेशन के अंदर है सर ये। देन सर इसके बाद MI के ईयरफोन आते हैं सर, जैसे अभी एक लेटेस्ट लॉन्चिंग हुई है सर MI के ईयरफोन की, ये 400 में आए सर आपके। देन इसके अंदर तीन वैरायटी होंगी, तीन क्वालिटी। अच्छा, ये सिर्फ 400 रुपये का ईयरफोन है। और देन इसके बाद सर ये 700 में आएगा सर, ये 800 में आएगा सर। तीनों वॉइस क्वालिटी का फ़र्क होगा और फीचर का फ़र्क होगा सर। सर ये MI का स्पीकर भी मिल जाएगा इसमें 1400 में। ये स्पीकर ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से चलता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होएगा सर। आप इसमें पेन ड्राइव भी लगा सकते हो सर, अदर मतलब इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो जैसे मर्जी आप। मतलब अगर कोई फ़ोन आपने कनेक्ट नहीं करना है तो आप सिर्फ गाने सुनने हैं तो आप इसमें पेन ड्राइव लगाएं और म्यूजिक लें। जी सर। देन इसके बाद सर ये 4K बॉक्स नॉर्मल LED को स्मार्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें भी सर दो आते हैं MI की TV स्टिक स्टिक है। जी सर। ये इनमें फ़र्क क्या है दोनों में? सर मेनली इन दोनों के अंदर आपको इसमें 1GB RAM आएगी सर, 4K बॉक्स में सर 2GB RAM आएगी। स्पीड का फ़र्क है? जी सर, स्पीड का फ़र्क रहेगा। ये आपका 4K में वीडियो कन्वर्ट करेगा सर, ये आपका नॉर्मल HD में करेगा सर। ओके ओके, ये हाई रेजोल्यूशन में निकाल के देगा वीडियो। जी सर। सर MI का वाईफाई राउटर भी आता है जो आपको 300। ये काफ़ी दिनों से लोग तलाश कर रहे थे, इन दिनों सब कुछ एजुकेशन डिजिटल होगी, लोग वाईफाई पे काम करते हैं, उसी पे उनका डाटा आता है, काम आता है, होमवर्क आता है, जो भी बच्चे जो हैं सभी पढ़ रहे हैं तो उनको बड़ी ज़रूरत होती है नेट की, और उस नेट के लिए ये राउटर काम आता है। जी सर, ये इसकी स्पीड भी बहुत बढ़िया सर, 300 MBPS तक की स्पीड देता है और 4 एंटीना के साथ है, मतलब रेंज भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। क्या कॉस्ट करता है सर ये? आप 1100 में सर, ये बहुत सस्ता। जी सर। सर देन इसके बाद सर पेन आ गया, रोलर पेन, ट्रिमर आ जाएगा सर 1000 की कॉस्ट में। अच्छा, आजकल की न्यू जनरेशन जो है वो दाढ़ी रखने लग गई है तो उसके लिए ट्रिमर भी है। जी सर, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, आपने दाढ़ी मीडियम रखनी है, लो रखनी है या हैवी में रखनी है सर। सर बैंड आ जाएगा सर, मी बैंड, ये रिस्ट बैंड। जी सर। सर ये वेबकैम भी आ गया सर। ओके। जी सर, जैसे आप लैपटॉप में किसी में वेबकैम नहीं आता सर तो उसके अंदर ये सपोर्ट करेगा आपका, ये वेबकैम भी बहुत अच्छी है। ये कई बार क्या होता है, ये वेबकैम फ़ोन को भी सपोर्ट करेगा या लैपटॉप के लिए है? नहीं सर, ये फ़ोन के लिए नहीं होता, ये लैपटॉप के लिए होता है सर। जी सर। और सर इसके बाद सर कैमरे आ जाएंगे सर मी के, ये 360 कैमरा सर, 360 बोले तो 360 डिग्री पर रोटेट करेगा ये सर, किसी भी एंगल में आप देख सकते हो, किसी भी शॉप में या घर में सेंटर में लगा लिया आप, किसी भी एंगल से फ़ोन से ऑपरेट करके आप इसको देख सकते हो कि आपने किस एंगल में देखना है, वहीं की रिकॉर्डिंग करेगा। ये वायरलेस रहेगा और डाटा पे सर्विस देगा, ये आपके फ़ोन पे भी दिखेगा। जी। इसकी कॉस्ट क्या रहेगी सर? 2900 का, 2900 रुपये में। कैमरा विद रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्डर का मतलब ये कि इसके अंदर इनबिल्ट आप चिप डाल सकते हैं, वो रिकॉर्ड भी वहीं करेगा और साथ में डाटा ट्रांसमिशन के साथ में आपको मोबाइल पे आपके घर पे या ऑफिस में आप उसको देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। सर इसके बाद सर पावर बैंक आएंगे नहीं क्या? पावर बैंक तो आजकल हर किसी की ज़रूरत हो गया, जो जो फ़ोन रखते हैं वो पावर बैंक भी साथ रखते हैं क्योंकि डाटा यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी सर। सर इसमें सारे मॉडल अवेलेबल मिलेंगे और प्लस में जो ऑनलाइन मॉडल कंपनी के आते हैं वो सभी आपको मिलेंगे इसके अंदर मी के। कुल मिलाकर बात ये थी कि जितने प्रोडक्ट्स थे पहले लोग ऑनलाइन परचेज़ करते थे, आप वेबसाइट पे जाते थे उसको परचेज़ करते थे, लेकिन अब ये स्टोर है हांसी में भगत सिंह रोड पे, डॉक्टर ओम प्रकाश होते थे वो चले गए, जो हॉस्पिटल की ज़मीन थी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स पर ये MI का एक्सक्लूसिव स्टोर है। एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर MI की तरफ से सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट MI से आते हैं और सस्ते मिलते हैं। आप किसी और दुकान से लेंगे जो MI की एक्सक्लूसिव नहीं है तो हो सकता है कि कुछ महंगा आपको मिले, लेकिन यहाँ पर आपको सभी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली मिलेंगे
और सस्ते मिलेंगे। आप ये बताएं कि जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बताए हैं ये कैश पे मिलते हैं, चेक से मिलते हैं, कोई फाइनेंस की फैसिलिटी भी है? कई बार होता ही है कि लोग ही चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स तो लेना चाहते हैं लेकिन वो इंस्टॉलमेंट्स चाहते हैं, तो कोई ऐसी कोई फैसिलिटीज रहती है एमआई के स्टोर पे? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पर सर बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी की फैसिलिटीज हैं सर। बजाज कार्ड से जैसे हम लोग या कोई भी मतलब फाइनेंस कंपनी से जो स्कीम्स आती है 12,000 की या मतलब 9,300 की, अलग अलग स्कीम आती है 15,500 की, तो वो कुछ डाउन पेमेंट दे के बाकी की वो ईएमआईज बनवा सकते हैं बजाज कार्ड के थ्रू। हमारे यहाँ नए कार्ड भी बनाए जाते हैं और एक कार्ड जिसका है ऑलरेडी तो वो तो वैसे ले भी सकता है। ये लंबा प्रोसेस है या मतलब जब कोई परचेज करने आता है कोई प्रोडक्ट तो तुरंत हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता? नहीं सर बिल्कुल सर, बस उसके लिए सिर्फ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है सर। कस्टमर को सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक की स्टेटमेंट लेके आनी होती है सर। उसके हिसाब से कंपनी उसका सिविल स्कोर चेक करती है अपने जो कंपनी के जो क्राइटेरिया उस हिसाब से, और उसका आने के बाद उसको अप्रूवल मिल जाती है। ये हमने आपको हांसी में जो एमआई का एक्सक्लूसिव स्टोर है उसकी सारी खूबियाँ बता दी, वहाँ के प्रोडक्ट्स दिखा दिए, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एमआई का स्टोर हांसी में भगत सिंह रोड पर डॉक्टर ओम प्रकाश कॉम्प्लेक्स पे है, यानी कि डॉक्टर ओम प्रकाश की यहाँ पे हॉस्पिटल होता था, वो हॉस्पिटल अब नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसी कॉम्प्लेक्स में ये एमआई का एक्सक्लूसिव स्टोर है। आप बस स्टैंड से जाएंगे तो पुराना बस अड्डा से सीधे भगत सिंह रोड पर चढ़ सकते हैं, और उमरा गेट से आते हैं तो भी आप सब्जी मंडी के सामने से भगत सिंह रोड पर आके इस एक्सक्लूसिव स्टोर पर आकर कोई भी चीज़ देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि फाइनेंस की फैसिलिटी भी यहाँ पर है, अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम प्रोडक्ट्स रेंज में हैं, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कम है। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।